अमृतसर तो खबर है कि एक जवान ते परचा दर्ज किया गया है। इल्ज़ाम यह है कि ISI नूं जिहड़ी खुफिया जानकारी वो लीक आउट की जा रही सी। पंजाब दी पुलिस इस विषय ते जांच कर रही है। सो ISI नूं सूचना देने के मामले में केंद्र दी जांच एजेंसियों तो जिहड़ा इनपुट मिलिया उस दे आधार ते एक कार्रवाई की गई है। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों तो मिली जानकारी मुताबक कार्रवाई हुई। फौज के जवान नूं गिरफ्तार करन लई कार्रवाई की जा रही है। उस यूपी के रसूलपुर पिंड का रहने वाला जवान मनोज चौधरी है, जिसने ISI नूं इनफॉर्मेशन दिती। क्यों दिती, किन्ने पैसे ले, ये तफ्तीश का विषय है। सो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI नूं सूचना देने के दोष में परचा दर्ज किया गया। परमवीर औलख इस खबर से जानकारी दे रहे हैं। परम, की कुछ अपडेट है? बिल्कुल कृष्ण, तुम दस दिए कि एक ISI एजेंसी जी पाकिस्तान की हैगी है, उन्होंने अपनी खुफिया जी जानकारी हैगी है, वो एक जवान सीगा, असी कह लिए फौज का जवान सीगा, वो दिंदा सीगा, तां उस रडार से हैगा है पुलिस की, तो उसनों काबू कर लै गया। तुम दस दिए कि इल्जाम वो ये लगे है कि वह जिनी भी साड़ी देश की खुफिया जानकारी हैगी है एजेंसियां दे रहा है, ISI दे रहा है, तो उसनों जोड़ा गिरफ्तार कर लिया गया है। तुम दस दिए कि मनोज नाम है उस लड़के का, मनोज काबू कर लिया गया है। सो वड्डी गल है कि देखो देश नाल गद्दारी कौन कर रहा है, क्योंकि दूजे पासे जेकर असी गल करिए यही फौज के जवान जोड़े है ये शहीदियां प्राप्त करते हैं देश लई। सो दूजे पासे कुछ अजिहियां कालियां भेटां जिवें कि असीं देख रहे सीगे पुलिस दे विच हैगियां, इस तरह हर एक महकमे च हैगियां, ते इह कालियां भेटां दे रूप दे विच ही इह नौजवान नूं जिहड़ा इह गिरफ्तार किया गया है। तां इस नूं जिहड़ा हुण हिरासत विच लै के इस तों लगातार पुछगिछ की जा रही है। तां इह जरूर तथ सामने आ चुके ने कि बिल्कुल इहदे वल्लों जिहड़ी है सारी खुफिया जानकारी जिहड़ी है वो ISI नूं भेजी जा रही थी, पुलिस वालों इस नूं गिरफ्तार कर लिया गया, तो हुण इस नूं कोर्ट दे विच पेश करके रिमांड हासिल किया जाएगा, जिस तों बाद वड्डे खुलासे होणगे। तां जेकर असीं कृष्ण गल करिए तां उत्तर प्रदेश का यह रहने वाला हैगा, मनोज नाम इसका हैगा, यह अमृतसर सरहद के उत्ते जिहड़ा वह तैनात सीगा जी। शुक्रिया परम जानकारी दी सांझ पाउण वास्ते। सो अमृतसर तो खबर है कि देहाती जिहड़ी पुलिस नूं वह सफलता हासिल हुई है, जिस विच ISI नूं इनफॉर्मेशन देने वाले नूं गिरफ्तार किया गया है।